गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को मतलब प्रीवियस मतलब कल ही एक प्रॉब्लम एग्जाम हुआ उसका, जैक बोर्ड का, वो आपका क्लास 12 का, उसमें आपका फिजिक्स का प्रॉब्लम है। जो आप क्लास 12 में जो स्टूडेंट है वो यहाँ से मैचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट, कि आंसर आप जो टिक आउट किए हैं वो कौन सा आंसर आपका सही है। तो आप अपने आंसर को यहाँ पर मैचिंग करके आप अपने नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा प्रॉब्लम सही हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम है आपका कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर एज। मतलब आपका एक क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सीधी भाषा में याद रखना है स्टूडेंट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा ईजी इज इक्वल टू 1/4πε(t/r³)√3cos²θ+1 होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के पावर थ्री के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब स्टूडेंट सीधे भाषा में समझने का कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, 1/r³ का, और पोटेंशियल जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसका होगा, 1/r² का होगा स्टूडेंट। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/r³ एंड 1/r². अब देखिए स्टूडेंट्स, 7 नंबर प्रॉब्लम ये है, किरचॉफ्स लूप रूल, जो किरचॉफ का लूप रूल आप लगाते हैं, इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। सीधे भाषा में ये बोल रहा है, आप समझने का कोशिश करो कि लूप रूल का मतलब होता है KVL, और पूछ रहा है कि KVL किस लॉ पर निर्भर करता है। तो आपको हम बता चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, एनर्जी होगा। क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। और जो KCL होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, किरचॉफ्स लूप रूल जो किसके कंजर्वेशन पर निर्भर करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। अब देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 8, ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4.2×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1×10⁻¹⁰ वोल्ट इंटू मीटर। इट्स मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोरा स्टूडेंट आपको पढ़ा चुके हैं कि मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपका प्रॉब्लम में गिवन है स्टूडेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या है, गिवन है। इसका मतलब हम इस फॉर्मूला से इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, 4.2 क्या है स्टूडेंट, 10⁻⁴ है, और आपका ये क्या है 2.1 क्या है, 10⁻⁴ क्या है, -10 है। इसका मतलब स्टूडेंट इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये 2 और ये -4 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, -4+10 मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 2×10⁻⁶ क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसका मोबिलिटी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2×10⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स पर सेकंड इनवर्स, मतलब सेकंड का भी इनवर्स होगा। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा। अब देखिए स्टूडेंट, द मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय। इसका मतलब सीधी भाषा में पूछ रहा है स्टूडेंट कि आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, आई मतलब करंट, और क्या होता है स्टूडेंट, एल क्रॉस क्या होता है, बी होता है, एल क्रॉस बी। एल मतलब हो गया आपका उस कंडक्टर का लेंथ हो गया, और बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, और उस कंडक्टर में कितने अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा उसको लिखेंगे आई। इसका मतलब एच इज इक्वल टू आई ब्रैकेट एल क्रॉस क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या टेकआउट करना है, 3 टेकआउट को करना है। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स
कैरिंग ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्वाइल। इसका फॉर्मूला बता चुके हैं स्टूडेंट, क्या होता है म्यू नॉट आई एन बाई क्या होता है 2R होता है। तो इस फॉर्मूले में ये सब डाटा को पुटअप करिएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब म्यू नॉट का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वह क्या होगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 के पावर -7। करंट आपके पास अवेलेबल है स्टूडेंट, करंट कितना दिया गया 3.2 दिया गया है और नंबर ऑफ टर्न्स आपका 100 दिया गया स्टूडेंट्स और 2 और रेडियस आपका अवेलेबल है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2 हो जाएगा। यदि स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा, ये डाटा को आप सॉल्व करिएगा कैलकुलेटर में तो आपको मिलेगा 2.01 × 10⁻³ टेस्ला। इसको सीधे सॉल्व कर लेना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा ऑप्शन होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट ए होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट फॉर कंटिन्यूअस क्लोज लूप। देखो स्टूडेंट जब भी आपका लूप फॉर्मेशन करेगा तो वो लूप कैसा होगा, क्लोज लूप होगा। देखो ये क्लोज लूप है, इसका मतलब है कि आपका पहला ऑप्शन क्या है ट्रू है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जैसे ही उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब है ये भी आपका क्या है सही है। अब देखिए स्टूडेंट सी नंबर आपको बताना है कि द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। द लार्जर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी। मतलब जिसमें फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्रॉसिंग करेगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा, ये बात भी सही बोल रहा है। ये बोल रहा है डी नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इंटरसेक्ट ईच अदर एट सर्टेन कंडीशन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी स्टूडेंट एक दूसरे को कभी भी कोई भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सरासर गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा डी होगा, यही आपका क्या गलत है, वही पूछ रहा है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है, आपको गलत बताना है। गलत क्या होगा स्टूडेंट डी होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ रहा है और बार मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है कि उसका फील्ड लाइन क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेट के बाहर होगा वो नॉर्थ से साउथ होगा, नॉर्थ से क्या होगा साउथ होगा, बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ होगा। बट इनसाइड द मैग्नेट जो होगा वो क्या होगा साउथ टू नॉर्थ होगा। देखो ये मैग्नेट है, ये आपका क्या है स्टूडेंट मैग्नेट है, इसको मान लेते हैं कि मैग्नेट है, ठीक है ये आपका मैग्नेट है। इसका मतलब इस मैग्नेट का जो होगा इसका जो आपका इनसाइड मैग्नेट में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा साउथ टू क्या होगा नॉर्थ होगा। इसका मतलब है साउथ पोल टू क्या होगा स्टूडेंट नॉर्थ पोल होगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आपका प्रॉब्लम हम सॉल्विंग कर दिए 7 से 6 से लेकर 12 तक, हम 1 से लेकर 5 तक प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर दिए थे स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम लोग 6 से लेकर क्या किए 12 तक सॉल्व किए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।